हेलो गाइस, आई एम निगार और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ जो आने वाली वैकेंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से, जिसका लाइफ स्पैन है 1770 से 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसका बर्थ 7 अप्रैल 1770 को इन कॉकर माउथ कम्बरलैंड नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ 7 अप्रैल 1770 को कॉकर माउथ कम्बरलैंड नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में हुआ था, जो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक रोमांटिक पोएट हैं और साथ साथ में एक नेचर पोएट हैं, जिसकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुई एंड वाज डाइड ऑफ प्लेरिजी एट द एज ऑफ 18 एंड वाज बरीड एट एसटी ओसवाल्ड चर्च ग्रासमियर। विलियम वर्ड्सवर्थ 23 अप्रैल 1850 को उनकी डेथ हुई एंड वाज डाइड ऑफ प्लेरिजी, और उनकी डेथ प्लेरिजी के कारण हुई एट द एज ऑफ 18, 80 साल की उम्र में उनकी डेथ प्लेरिजी के कारण हुई एंड वाज बरीड एट एसटी ओसवाल्ड चर्च ग्रासमियर, और उनको एसटी ओसवाल्ड चर्च ग्रासमियर में दफनाया गया। एजुकेशन, विलियम वर्ड्सवर्थ की एजुकेशन हॉक्शेड ग्रामर स्कूल से हुई, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एसटी जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में भी उन्होंने अपना एडमिशन लिया। इन नवंबर 1791 ही विजिटेड फ्रांस एंड फेल इन लव विद फ्रेंच वोमेन एनेट वायलेन। इन नवंबर 1791 में ही विजिटेड फ्रांस, वो फ्रांस गए एंड फेल इन लव विद फ्रेंच वोमेन एनेट वायलेन, और उन्हें एक फ्रेंच वोमेन एनेट वायलेन से प्रेम हो गया। द रेन ऑफ टेरर एंड वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन सेपरेटेड देम। फ्रांस और ब्रिटेन में लड़ाई के भय से दे सेपरेटेड देम, दोनों अलग हो गए। मैरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ की मैरिज ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की मैरिज 4 अक्टूबर 1802 को हुई थी। किससे हुई थी? मैरी हचिंसन से, हु वाज हिज क्लासमेट एट पेनरिथ। मैरी हचिंसन विलियम वर्ड्सवर्थ की क्लासमेट थी पेनरिथ में। पोएट लेवरेट, विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में से लेकर 1850 तक पोएट लेवरेट रहे, यानी वो 1843 में पोएट लेवरेट बने और अपने डेथ तक पोएट लेवरेट रहे। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लेवरेट इन 1843 फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदे। रॉबर्ट सदे, जो कि 1843 में उनकी डेथ हुई, और रॉबर्ट सदे के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में पोएट लेवरेट बने। फादर, विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर हैं जॉन वर्ड्सवर्थ, और विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर का नाम एन कॉक्सन है। सिबलिंग्स, विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई बहन हैं रिचहॉल्ड, डोरोथी, जॉन और क्रिस्टोफर। डोरोथी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डोरोथी ना कि उनकी सिस्टर ही नहीं बल्कि उनकी एक फ्रेंड भी थी। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पहली राइटिंग, जो कि एक सोनेट थी, द यूरोपियन ऑफ मैगजीन में पब्लिश कराई। इन फरवरी 1793 ही पब्लिश हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन। 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना पहला पोएट्री कलेक्शन पब्लिश कराया, जो कि एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच था। फिर से देखते हैं, फरवरी 1793 में पहला पोएट्री कलेक्शन, जो कि एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया। लेक पोएट्स, हु आज लेक पोएट्स? विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलेज एंड रॉबर्ट सदे, दे आर लेक पोएट बिकॉज दे लिव बिसाइड्स लेक। विलियम वर्ड्सवर्थ ए ग्रेट रोमांटिक पोएट एंड ए ग्रेट नेचर पोएट, फॉर हिम नेचर इज ए गार्जियन, अ टीचर एंड ए नर्स। विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक ग्रेट रोमांटिक पोएट हैं, साथ साथ में वो एक नेचर पोएट भी हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि नेचर को कैसे लेते हैं, एक गार्जियन के रूप में लेते हैं, एक टीचर के रूप में लेते हैं और नर्स के रूप में लेते हैं। सो फ्रेंड, मिलते हैं आपको वर्ड्सवर्थ के ग्रेट वर्क के साथ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो करिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट।